अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो नेशनल और मैं हूँ आपका मेजबान शाकिर मातू और मैं अदीना मलिक। रुख करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों की तरफ। अहदेदारों के मुताबिक जम्मू व कश्मीर के 4 साबिक वज़राए आला की हिफाजत का अहाता मरकजी ज़ेर इंतजाम जिला श्रीनगर में इनकी नकल व हरकत के दौरान जैमर्स और एम्बुलेंसों की तैनाती को रोकने के फैसले के साथ मजीद कम कर दिया गया है। हफ्ते के रोज तजुर्बाकार सियासतदान और लोकसभा के रुकन फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर के मरकज में वाकई मशहूर हजरत बल दरगाह और दस्तगीर साहब में नमाज पढ़ते हुए देखा गया, लेकिन वहां ना तो एम्बुलेंस थी और ना ही जैमर्स थे, जो कि दीगर चीजों के साथ साथ ऐसे मामलों में सिग्नल भी ब्लॉक कर देते हैं। दहशतगर्दों ने एक देसी साख्ता धमाका खेजाला नस्ब किया है, जिसे रिमोट कंट्रोल से तहरक किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक गाड़ी ड्राइवर की काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 7 अफराद शरीर तौर पर जख्मी हुए, जिनमें से बाद में एक नौजवान की मौत वाकई हुई। श्रीनगर पुलिस ने इतवार के रोज श्रीनगर के इलाके खानियार में हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी की दरगाह पर अतिया खाने से नकदी की चोरी के मामले को हल करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक तर्जमान ने कहा कि इस केस की तहकीकात के नतीजे में श्रीनगर शहर में चोरी की वारदातें करने वाले 3 और मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर की गरमाई दारुलहुकूमत श्रीनगर में हर इतवार को लगने वाला मशहूर संडे मार्केट 4 हफ्तों के बाद आज इतवार के रोज खुल गया है। ज़राए ने बताया कि रवान बरस 15 जनवरी को कोरोना वायरस के पेश नज़र बंद किए जाने वाला मशहूर संडे मार्केट में इतवार को तजारती सरगर्मियाँ दोबारा से बहाल हुई। कश्मीर डिवीजन से जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बोर्ड इम्तिहान में टॉप करने वाली उरुसा परवेज ने कभी सोचा भी नहीं था कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर में हिजाब न पहनने पर ट्रोलों की फौज इन पर तनकीद शुरू कर देगी। 8 फरवरी को 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान के नतीजे का ऐलान किया गया, जिसमे उरुसा ने टॉप किया। उरुसा ने 500 में से 499 नंबर लेकर साइंस में टॉप किया। सोशल मीडिया पर मुबारकबाद के पैगाम आने लगे, लेकिन इसके खानदान की खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। उरुसा ने कहा कि सोशल मीडिया पर कड़वे ट्रोल सामने आने लगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एक तरफ वही माशरा मुझे क्यों ट्रोल करता है और दूसरी तरफ मुझ पर फख्र महसूस करता है। हुकाम ने बताया कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला में 500 पुल के करीब वेरीनाग में एक 48 साल शख्स की लाश मिली थी। हुकाम के हवाले से इतला दी है कि लाश वेरीनाग के 500 पुल के करीब पड़ी हुई मकामी लोगों को मिली, जिन्होंने मुतालिका पुलिस स्टेशन को इसकी इतला दी। मुल्क में कोरोना वायरस मुतासरीन की मुसलसल कम होती हुई तादाद के दरमियान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हलाकत के इस आलमी वबा के तकरीबन 45,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि इसके मुकाबले में तकरीबन 1,17,000 मरीजों ने जानलेवा वबा को शिकस्त दी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर्टिकल 370 के मनसूखे ने दर हकीकत मसला कश्मीर को मजीद पेचीदा बना दिया है और बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत हिंद के पास कश्मीर समेत दीगर मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान से बात करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। श्रीनगर में अपने गुप्कर रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा ने कहा कि ये तासीर की दफा 370 की मनसूखे के बाद मसला कश्मीर खत्म हो गया है, जमीनी तौर पर बिल्कुल गलत साबित हुआ है। वादी कश्मीर में अगरचे दिन भर धूप खिली रहती है, ताहम मतला साफ रहने से शबाना दर्जा नुक्ते अंजुमन से नीचे दर्ज हो रहा है। इधर मौक में मौसमियात की एक तर्जमा की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 13 फरवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुशक रहने का इम्कान है, ताहम इसके बाद मौसम करवट बदल सकता है, जिसके नतीजे में फिर 17 फरवरी तक मौसम खराब रहने की तवक्का है। पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर जाली मोबाइल फरोख्त करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 खातिन समेत 8 शहरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरवा से 93 चाइनीज मोबाइल, जाली बिल बुक रसीदों समेत बड़े मकदार में मोबाइल एसेसरीज बरामद की गई हैं। पुलिस ने बताया कि इस गैंग के तारों का ताल्लुक दिल्ली और मुंबई से है। इब्तदाई पूछताछ से मालूम हुआ कि एक ही IMEI नंबरों से 3 से 4 मोबाइल फोन चल रहे थे। ये गिरवा चीनी मोबाइलों पर ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर लगाकर मार्केट में फरोख्त करता था। जिसे अपने मेजबान शाकिर मातूर और अदीना मलिक को इजाजत, मिलते हैं अगले शुमारे में। खुदा हाफिज़।